नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके हमारे अपने चैनल में स्कोर प्लेयर। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में फुटबॉल का जो हम मैच कवर करेंगे, फर्स्ट मैच होने वाला है ले लीगा का, जो हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे एलईटी वर्सेस एससीबी, लिवांटे वर्सेस सेल्विया के बीच में जो है ये मैच होगा, जिस मैच को जो हम आज की इस वीडियो में जो है कवर कर रहे हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले इस वीडियो में आपको जो है स्टैट्स की जो है जानकारी दे दी जाएगी, कौन से प्लेयर आपके लिए बेस्ट प्लेयर होने वाले हैं, पॉसिबल प्लेइंग इलेवन क्या होने वाला है, लास्ट का जो प्लेइंग इलेवन है वो आपको मैं शो कर दूंगा, फिर उसके बाद कौन से प्लेयर जो है गोल फॉरवर्डिंग करते हैं और गोलकीपर के लिए आपके पास क्या बेस्ट चॉइस आ सकती है, उन सब का अपडेट आपको जो है हमारे इस वीडियो में जो है पता चल जाएगा दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे जो है ले लीगा का मैच कवर करेंगे, लेवांटे वर्सेस सेविला, 11 बजे जो है ये मैच होने वाला है आज रात को। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े तो जुड़ जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना जो है सभी भाइयों के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है @scoreplayer, आपको हमारा चैनल जो है मिल जाएगा। विदाउट स्पेस जो है दोस्तों आपको जो सर्च करना है @scoreplayer, तो आपको हमारा चैनल जो है बहुत ही आसानी से जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप जुड़ेंगे तो यहाँ पर हम आपको जो है लाइनअप की न्यूज़ जो प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि लाइनअप आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और प्लेयर्स की पोजीशन चेक करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और कभी कभार क्या होता है, वीडियोस की टीम में जो है कुछ अपडेट्स होते हैं, जो अपडेट हम आपको जो टेलीग्राम पे ही जो प्रोवाइड करते हैं लाइनअप आने के बाद, तो इसलिए टेलीग्राम पे जुड़ना सभी के लिए जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं आज के मैच के जो हमारे रेफरी हुए हैं, तो हमारे पास जो है यहाँ पे अलेक्जेंडर यहाँ पे है, यहाँ पे अलेकेंड्रो अलेकेंड्रो जो है आज के जो है रेफरी होंगे, अलेकेंड्रो हैंड्स स्पेन के जो हैं दोस्तों ये रेफरी हैं। अगर आप इनकी एवरेज कार्ड की बात करोगे तो यहाँ पे रेड कार्ड ये यूज़ करते हैं 0.27% और येलो कार्ड यूज़ करते हैं 5.39%। तो यहाँ पे येलो कार्ड आपको जो है बहुत ही ज़्यादा जो है यूज़ होता हुआ जो है देखने को मिल सकता है आपके अलेकेंड्रो जो रेफरी हैं उनके साइड से। यहाँ पे ये जो रेफरी हैं दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे रेफरी हैं, तो यहाँ पे आपको जो है सपोर्ट जो है अच्छा रहना जो है देखने को मिल जाएगा। हर टीम्स के साथ जो एक बैलेंस कार्ड जो है ये प्ले करते हैं, तो यहाँ पे आपके लिए जो है एक अच्छे रेफरी जो होते हैं ये। वहीं आप नोटिस करेंगे टीम सेट की बात करेंगे तो सबसे पहले सेल्विया की जो आपकी टीम है उस टीम के बारे में जो है बात करेंगे, क्लब रैंक की तरफ ध्यान देंगे तो 3 नंबर क्लब रैंक पर जो है दोस्तों ये टीम चल रही है, जिसमें से 28 मैच जो इन्होंने खेले हैं, 28 मैचेस में 14 मैच का जो आपको इनको विन देखने को मिलेगा, 8 मैच ड्रॉ हुए थे इनके और 6 मैच का जो है लॉस हुआ था। वहीं आप पॉइंट्स की तरफ ध्यान देंगे तो 50 पॉइंट पर जो है ये टीम चल रही है, यहाँ पे एक बहुत अच्छी गोल फॉरवर्डिंग करती है ये और डिफेंसिंग भी इस टीम की साइड से हमें जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। गोल फॉरवर्डिंग की तरफ ध्यान दोगे तो 41 गोल जो है फॉरवर्ड हुए, गोल अगेंस्ट की तरफ ध्यान दोगे तो 29 गोल जो है अगेंस्ट हुए हैं। वहीं अगर आप गोल डिफरेंस की तरफ ध्यान दोगे तो 12 गोलों का डिफरेंस आपके पास जो आ जाता है, तो यहाँ पे एक प्लस पॉजिटिव 12 गोलों का डिफरेंस आपको जो यहाँ पे जो देखने को मिल जाता है। वहीं अगर आप लास्ट 5 मैच गोल की तरफ ध्यान दोगे तो इनका जो भी इन्होंने लास्ट मैच करा था वो इन्होंने विन करा, फिर ड्रॉ किया था, फिर विन किया, विन ड्रो, तो यहाँ पे इस टीम की साइड से हमें जो है विन ड्रो जो है ज़्यादा देखने को मिलता है, तो मतलब परफॉर्मेंस वाइज जो है ये टीम जो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी टीम जो है होने वाली है यहाँ पे। वहीं आप नोटिस करेंगे आपके जो है लेवांटे, लेवांटे की जो टीम है उस टीम की जो है क्या क्लब रैंक चल रही है, 12 नंबर क्लब रैंक पे जो है दोस्तों ये टीम चल रही है, जिसमें से अभी तक 28 मैच जो है इन्होंने खेले, 28 मैचेज में जो है दोस्तों 10 मैच जो है इन्होंने जो है विन करे हैं, 4 मैच का जो है ड्रॉ हुआ है और 14 मैच का लॉस जो है इन्होंने करा है। वहीं अगर आप देखेंगे पॉइंट्स तो यहाँ पे 34 पॉइंट पे जो है चल रही है। गोल फॉरवर्डिंग की तरफ ध्यान देंगे तो यहाँ पे गोल फॉरवर्डिंग जो है दोस्तों इस टीम की भी साइड से जो है आपको जो है देखने को जो है मिलती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो 33 गोल जो है फॉरवर्ड इन्होंने करे हैं। वहीं गोल अगेंस्ट की तरफ ध्यान देंगे तो 41 गोल जो है फॉरवर्ड करे हैं, 41 गोल जो अगेंस्ट करें सॉरी गोल अगेंस्ट हुए, तो यहाँ पे गोलकीपर की चॉइस जो है हमारे लिए जो है बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाती है लेवांटे की टीम की साइड से। लेकिन यहाँ पे आपको जो है हर एक जो है प्लेयर जो है अगर आप हेड टू हेड 3 मेंबर खेलते हैं तो आपको जो है लेवांटे का गोलकीपर ही लेते हुए जो है देखने को मिल सकता है, तो इसलिए यहाँ पर आपको जो है कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आप जो है एक ही गोलकीपर को जो है ट्राई कर सकते हैं। गोल डिफरेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है दोस्तों -8 गोलों का जो है डिफरेंस जो है देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है -8 गोलों का डिफरेंस जो है देखने को मिलता है। वहीं अगर आप नोटिस करेंगे लास्ट मैचेस जो क्या रिकॉर्ड रहे इनके लास्ट 5 मैच रिकॉर्ड, तो जिनका सबसे लास्ट मैच था वो इन्होंने ड्रॉ किया था 0 गोल्स के साथ यहाँ पे, फिर उसके बाद 1 गोल के साथ जो ड्रॉ किया था, यहाँ पे सब्सिट्यूट्स आके जो है गोल फॉरवर्डिंग करते हैं, तो यहाँ पे लेवांटे की साइड से हमें एक डिसएडवांटेज ये देखने को मिलती है कि जो मेन प्लेयर हैं वो गोल नहीं करते हैं, सब्सिट्यूट्स आके जो है गोल करते हैं। फिर उसके बाद इनका एक और जो लास्ट मैच था वो लॉस हुआ, विन लॉस, तो यहाँ पर आपको लॉस और ड्रॉ ज़्यादा देखने को मिलता है यहाँ पर। और वहीं पर अगर हम बात करें सेल्विया की तो सेल्विया की साइड से आपको विन ज़्यादा देखने को मिलता है।
अब यहाँ पे नोटिस करना टीम के लाइनअप क्या रहने वाले हैं। तो सबसे पहले प्लेइंग इलेवन आपकी तरफ ध्यान देगा, स्क्रीन रोटेट कर लो। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे सेल्वाइवा सेल्विला की टीम जो है, इस टीम के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे गोलकीपर की चॉइस में, ये बेस्ट गोल कीपर है टॉमस वेल्सकी। अगर आप क्लीन शीट की तरफ जाते हैं तो टॉमस वेल्सकी आपके लिए एक बेस्ट गोलकीपर आता है। टॉमस गैल्पी के बाद यहाँ पे लूकस ओकंपस, ये हाईली सिलेक्टेड कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइसेज है, क्योंकि ये प्लेयर ऐसे हैं जो गोल फॉरवर्डिंग सबसे ज़्यादा करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे लुक डी जोंग, ये आपके पास एक और प्लेयर आते हैं जो गोल फॉरवर्डिंग ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये दो प्लेयर जो है एक अच्छी चॉइस आती है। वहीं अगर आप क्लीन स्वीप के लिए जाते हैं तो यहाँ पे ये तीन चार प्लेयर आपके लिए एक और अच्छी चॉइस आती है। वहीं पर आपके पास जो है जेन जॉर्डन और फेंडो, ये दो ऑप्शन आते हैं। इन दोनों में से आप किसी को भी जो है चूज़ कर सकते हैं, ये दोनों आपके लिए एक अच्छी चॉइस आती है। वहीं कभी कभार जो है जॉर्डन जो हाईएस्ट गोल असिस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रेंडो कभी कभार गोल भी कर देते हैं, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी जो है चॉइस आती है। वहीं एक प्लेयर और है यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, जॉर्डन और यहाँ पे ओलेस्टॉप, ये दो प्लेयर ऐसे हैं जो असिस्ट करने में जो है सबसे ज़्यादा जो है हेल्पफुल होते हैं, तो इसलिए आप इनको जो है ट्राई कर सकते हैं। ये दोनों प्लेयर आपके लिए एक सेफ और एक अच्छा ऑप्शन जो हो जाते हैं यहाँ पे। वहीं अगर आप नोटिस करोगे तो मैं आपको बता दूँ, ये दोनों प्लेयर जो हैं यहाँ पे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपके जो है चॉइसेस है, यहाँ पे लुकस डी जोंग को जो है यहाँ पे जे जॉर्डन सपोर्ट करेंगे, और लुकस कैंपस को ओलिवर ट्रॉस, ये दो प्लेयर जो हैं सपोर्ट करते हैं। और वहीं पे फ्रेंडो, फ्रेंडो ऑलराउंडर हैं, ये दोनों को ही जो है सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये टीम बनाने के लिए आपको देखो ग्रैंड लीग में आप जो है ऐसे प्लेयर जो है चूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए एक अच्छी चॉइस आती है। यहाँ पे ये जो है आपके लिए जो है बेस्ट सेवन जो है हो जाते हैं सीली वाइवा की टीम की साइड से, तो यहाँ पे ये आपके लिए एक अच्छी चॉइस जो आ जाती है। वहीं अगर आप दूसरी टीम्स की बात करेंगे तो यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं हमारी जो टीम है यहाँ पे लेवांटे की, तो लेवांटे की टीम की साइड से जो हम बात करेंगे, ठीक है। गोलकीपर की चॉइस में यहाँ पे अल्टोर, सब लोग अल्टोर को जो है ट्राई कर रहे हैं गोलकीपर, तो आप भी जो है ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग खेल रहे हैं तो आपके लिए जो है लेवांटे के लिए जो है गोलकीपर आपके लिए एक अच्छा चॉइस नहीं है। यहाँ पे सिलवाइवा, सिलवाइवा की गोलकीपर आपके लिए एक अच्छा चॉइस आती है, ठीक है। यहाँ पे अब आपके पास चॉइस क्या आती है लेवांटे के प्लेयर्स में से, तो यहाँ पे आपका जो है सबसे पहले आते हैं रोगस मार्टिस। रोगस मार्टिस एक अच्छी चॉइस है, ये जो है गोल करते हैं, तो इसलिए आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन जो हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास चॉइस आते हैं यहाँ पे मोल्टस, मोल्टस आपके लिए एक अच्छी चॉइस आती है क्योंकि ये गोल फॉरवर्डिंग और असिस्ट दोनों करते हैं। फिर उसके बाद आपके पास आते हैं निकोला विकोंदे, निकोला विकोंदे आपके लिए एक अच्छी चॉइस है, ये कभी कभार जो है असिस्ट करने में जो है हेल्पफुल हो जाते हैं। तो ये तीन प्लेयर जो है आपको अपनी टीम में जो है ज़रूर ट्राई करने हैं, और ये तीनों प्लेयर आपके लिए एक अच्छा और एक सेफ ऑप्शन जो होने वाले हैं, जिनको अगर आप अपनी टीम में ट्राई करेंगे तो आपका एक ईजी विन जो है ज़रूर होने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे बात करेंगे हमारे जो है टॉप स्कोरर्स कौन से होने वाले हैं, तो वहीं अगर आप ध्यान देंगे टॉप स्कोरर्स की तरफ, तो यहाँ पे आपके पास चॉइस आती है सबसे पहले तो रोगस मार्टिन्स, जिन्होंने जो है 11 गोल जो है फॉरवर्ड करे हैं। फिर उसके बाद आपके पास चॉइस आते हैं बोर्जा मेरोल, जिन्होंने 5 गोल जो है फॉरवर्ड करे हैं। फिर उसके बाद आपके पास आते हैं रोचिना, जिन्होंने 3 गोल जो है फॉरवर्ड करे। फिर उसके बाद आपके पास चॉइस आते हैं ई बाड्रिक, जिन्होंने 2 गोल फॉरवर्ड करे हैं। कैंपा, जिन्होंने 2 गोल जो है फॉरवर्ड करे हैं। तो यहाँ पे ये जो है आपके पास जो है 5 जो है बेस्ट जो है गोलकीपर की चॉइस आती है, जो आते हैं आपके पास जो है लेवांटे की साइड से। फिर वहीं पे अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे सेल्वाइवा, सेल्वाइवा की बात करेंगे तो सेल्वाइवा की टीम की साइड से आपको जो है कौन से प्लेयर जो है बेस्ट जो है देखने को मिलते हैं, तो आपके पास आते हैं एलो कंपस, जिन्होंने 11 गोल करे हैं। एल डी जोंग, जिन्होंने 5 गोल करे हैं। नोतेलो, नोतेलो जिन्होंने 3 गोल करे हैं। ई एन नसरी, जिन्होंने 3 गोल करे हैं। एफ़ ब्रिंक्विस, जिन्होंने 3 गोल करे हैं। तो यहाँ पे ये दोनों जो है टॉप 5 प्लेयर्स आप ज़रूर अपने कहीं जो है नोट करके रख लेना, क्योंकि अगर ये जो है लाइनअप में होते हैं तो आपके लिए एक अच्छा और एक सेफ चॉइस हो जाती है। टॉप असिस्ट प्लेयर की चॉइस में यहाँ पे कैंपा 5 असिस्ट टीम में होने चाहिए। मायरोन एक बहुत अच्छी चॉइस है। क्लर्क एक अच्छी चॉइस है। टोनो, इब्राडी एक बहुत अच्छी चॉइस है। यहाँ पे लेवांटे के जो है ये टॉप जो है 5 असिस्ट हैं जो करते हैं, ये सपोर्ट जो ज़रूर दिखाते हैं। यहाँ पे एन ब्लिक्विक एक बहुत अच्छी चॉइस है, जिन्होंने पिछले कुछ मैचेस में एक अच्छी जो है असिस्टिंग जो है संभाल रखी है, जो मैंने आपको स्टैट्स में बताया था अभी लाइनअप दिखाते हुए टॉप पे, तो उसके लिए भी जो है ज़रूर ध्यान लेके चलना। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपके पास आते हैं सेल्विया की टीम के साथ ई बेंगिया, जिन्होंने 6 असिस्ट करे हैं। नावस 4 असिस्ट। रेगुलस 4 असिस्ट। एलो कॉम्पस 3 असिस्ट। ओलिवर ट्रॉस 3 असिस्ट। तो ये 5 प्लेयर भी आपको अपनी टीम में जो है ज़रूर ध्यान रखने हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है, यहाँ पे सेल्विया आपको क्लीन स्वीप और एक अच्छी टीम जो करके हुए देखने को मिल सकती है, तो इसलिए आपके पास जो 7:4 का कॉम्बिनेशन एक बेस्ट कॉम्बिनेशन आता है। और यहाँ पे शायद से सेल्विया की साइड से हमें जो है एक अच्छी गोल फॉरवर्डिंग जो है देखने को मिल सकती है, 2 या 3 गोल फॉरवर्ड जो है आज के इस मैचेस में जो है देखने को मिल
सकते हैं हमें सेलविला की टीम की साइड से दोस्तों। तो यहीं पे बता देते हैं दोस्तों, अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने के लिए आपको जो सर्च करना है @scoreplayer, आपको हमारा चैनल जो है मिल जाएगा। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है, जिसके थ्रू आप बहुत ही ईजी वे में जो है जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप जुड़ेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है T10 मैचेस की न्यूज़ जो प्रोवाइड हो जाएगी। जो भी भाई T10 मैचेस खेलता है उसके लिए यहाँ पर हमने जो है T10 मैचेस के लिए एक नया चैनल जो है अपना जो है ओपन किया है, तो यहाँ पर आप जो है जुड़ सकते हैं। फिर वहीं पे आपको जो है वीडियोस के अपडेट, जो भी हम आज का क्या शेड्यूल है, कौन कौन से मैच हम आज कवर करने वाले हैं, जिस मैच में आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फिर उसके बाद आपके लिए क्या टीम रहने वाली है, कैप्टन वाइस कैप्टन की क्या बेस्ट चॉइस आने वाली है, लाइनअप्स क्या हैं, और कुछ प्रीवियस विनिंग स्क्रीनशॉट, ये भी जो है मैं आपको जो है दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको जो है कुछ प्रीवियस विनिंग स्क्रीनशॉट भी जो है हम दिखा देंगे, लाइनअप क्या रहने वाला है वो भी दिखा देंगे, ताकि आप अगर खुद की भी जो है कोई टीम क्रिएट करना चाहो तो आप कर सकते हो। वहीं पे कैप्टन वाइस कैप्टन की आपके लिए क्या बेस्ट चॉइस रहती है वो भी हम आपको जो अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है बता देते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले टीम की। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं टीम जो है बना चुका हूँ। ले लीगा का मैच कवर करने वाले हैं, LET वर्सेस SEV का जो हमारा जो है मैच है, इस मैच को जो हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूँ दोस्तों, यहाँ पे 7:4 का कॉम्बिनेशन जो है ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था जो आपकी जो है सेविल्ला की जो टीम है वो एक अच्छी टीम होने वाली है और एक अच्छी परफॉर्मेंस जो दिखाने वाली है। तो यहाँ पे गोलकीपर की चॉइस में, यहाँ पे अगर आप जो है ग्रैंडी खेलते हैं तो यहाँ पे T-Valiak आपके पास एक अच्छी चॉइस आती है गोलकीपर की चॉइस में। अगर आप हेड टू हेड 3 मेंबर 4 मेंबर खेलते हैं तो यहाँ पे A-Frentz ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है। यहाँ पे मोस्टली लोग जो है क्लीन स्विप के लिए जाएंगे, तो इसलिए जो है T-Valiak को जो है मोस्टली लोग जो है ट्राई करेंगे। तो मैं आपको बता दूंगा T-Valiak को आप कैसे जो है ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे D-Carlos आपके लिए एक सेफ और एक अच्छी चॉइस है फॉरवर्ड डिफेंडर से। J-Navas एक और अच्छी चॉइस है डिफेंडर से। जे कोंडे ये की और अच्छी चॉइस है। ये तीन प्लेयर ऐसे प्लेयर हैं जो हाईएस्ट जो है पासेस करते हैं और आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो जाती है, तो आप इनको अपनी टीम में जो ज़रूर ट्राई करना। मिडफील्डर से यहाँ पे एलो कंपस हाईली सिलेक्टेड कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस है, क्योंकि अगर आप इनकी गोल फॉरवर्डिंग तरफ ध्यान देंगे तो ये हाईएस्ट गोल फॉरवर्डिंग प्लेयर है। फिर उसके बाद यहाँ पे जे जॉर्डन आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चॉइस आती है, इनको भी आप अपनी टीम में जो ज़रूर ट्राई करेंगे। यहाँ पे जे जॉर्डन एक ऐसे प्लेयर हैं जो असिस्ट करते हुए जो आपको जो देखने को मिलते हैं, तो इसलिए जे जॉर्डन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन जो हो जाता है। यहाँ पे जे जॉर्डन को मैंने जैसे कि आप बताया यहाँ पे एक चॉइस दूंगा, जे जॉर्डन को हटा के आप जो गोल कीपर ट्राई कर सकते हो, तो ये आपके लिए जो एक सेफ और एक अच्छी जो है चॉइस आती है दोस्तों। फिर उसके बाद अगर आप जे जॉर्डन को हटा के गोल कीपर ट्राई करते हो तो यहाँ पे आपके पास जो जी मेरिलो जे कंपास ये आपके पास चॉइस आते हैं जिनको आप जो ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पे आपके पास अदर ऑप्शन में आते हैं, यहाँ पे एन ब्लिकविनी जैसे मैंने आपको बताया ये कभी कभार असिस्ट करते हैं और एक हेल्पफुल है, तो इसलिए इनको अपनी टीम में जो है ज़रूर ट्राई कर लेना। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या चॉइस आता है, यहाँ पे आपके पास चॉइस आएगी यहाँ पे आपके पास फ्रेंडेडो आपके लिए एक अच्छी चॉइस आती है, क्योंकि फ्रेंडेडो एक ऐसे प्लेयर हैं जो एक अच्छी जो है डिफेंसिंग करते हैं और एक अच्छी गोल फॉरवर्डिंग करते हैं, तो यहाँ पे फ्रेंडेडो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन आ जाता है। कभी कभार हाइएस्ट पासिस में भी आपको फ्रेंडेडो देखने को मिलते हैं। यहाँ पे गोल होएगा अगर LET की टीम की साइड से तो वो R-Marty है जिनके साइड से जो गोल हो सकता है, जो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। वहीं पर सेवी की टीम की साइड से LD होंगे जो आपको फॉरवर्ड में देखने को मिलते हैं, और इनके साइड से जो है मोस्टली 2 या 1 गोल जो होते हैं, तो आपके लिए ये भी जो एक अच्छी कैप्टन की जो चॉइसेस आ जाती है। फिर उसके बाद जे लुकस मोरलस ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन आते हैं, ये जो है गोल करते हैं। अगर हम बात करें लेवेंटे के, तो लेवेंटे के साइड से हमें जो है ये 2 प्लेयर देखने को मिलते हैं जो गोल करते हैं, तो इसलिए इन दोनों प्लेयर को जो मैंने अपनी टीम में लिया हुआ है, और यहाँ पर ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जो इनको जो है सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए ये भी आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो जाती है। यहाँ पे आपके लिए एक और ऑप्शन होएगा वो मैं आपको देख लेता हूँ, यहाँ पे जे मेलिरो आपके लिए एक और अच्छी चॉइस है, क्योंकि जे मेलिरो भी जो है कभी कभार गोल करते हैं, तो इसलिए जे मेलिरो भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन जो हो जाता है। अगर आप प्रीवियस स्टैट्स चेक करते हैं, लास्ट के 3 प्रीवियस स्टैट जो है चेक करेंगे, तो यहाँ पर ये 3 प्लेयर ऐसे प्लेयर हैं जो LET की साइड से गोल करते हैं और ये असिस्ट करते हैं, तो इसलिए ये टॉप 4 प्लेयर जो मैंने अपनी टीम में जो है रख ली हैं। और वहीं पर अगर आप सेल्विया की साइड से बात करेंगे तो एलो कॉम्पस LD Zong ये आपके लिए चॉइस आती है, फ्रेंडो ये आपके लिए चॉइस आती है, जो गोल करते हैं ये सब प्लेयर जो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो जाते हैं। वहीं पे मैंने बहुत ही स्टार्टिंग में टीम वीडियो बनाने से पहले, जब ये टीम स्टार्ट करने से पहले, मैंने आपको एक टीम और दिखाई थी जिसमें गोलकीपर जो हमारा जो है लेवांटे का था, तो वो भी टीम आप ट्राई कर सकते हो, वो भी टीम आपके लिए एक अच्छी टीम हो सकती है। अगर आप सोचते हैं कि यहाँ पर सेल्विया की टीम की सबसे हाईएस्ट गोल फॉरवर्डिंग होती है, तो ये भी प्लेयर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन जो हो जाते हैं। तो ये टीम जो हमारी फाइनल टीम, अगर इसमें कुछ भी चेंजेस कुछ भी अपडेट होगा उसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। और जो भी भाई नया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यहाँ तक पहुँच चुके हो, वीडियो देख रहे हो, यहाँ पे आके
तो चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जो ऑल पे जो कर देना, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके जो है जरूर जाना है, क्योंकि अगर आप लाइक करते तो हमें जो है मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए ऐसे ही बेस्ट टू बेस्ट जो है टीम लेके आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को जो हम यहीं खत्म करेंगे और आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।